जब डिग्री सेम होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाएंगे भाई, कोई दो राय नहीं है इसमें, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो हम लोग अप्लाई करेंगे, ये वन आएगा बाय जी। टू भी तो लिखेंगे साथ में। हाँ, बस वही पूछना था। देखो पार्शियल फ्रैक्शन तो अपनी जगह पे आ गए दोनों, लेकिन ऊपर नीचे जब डिग्री सेम है तो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, आज एक बार जरा देख के बताना, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट -1 -1, अब जरा नीचे बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट -2 -2, तो ये आपका -1 -2 दोनों कोफिशियंट आ गए, ये माइनस माइनस आपने कैंसिल कर दिया, तो 1/2 आपका एक तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन इसमें ऐड होगा। अच्छा ये तीन पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, ए आपको निकालने का आता है ये तरीका, एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर दो यहाँ पे डायरेक्ट, याद रखना इस एक्स को मत पुट कर देना 0, तो यहाँ 0 रखा 1 और नीचे 0 रखा 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा बी निकालने के लिए क्या करना है, हाफ पुट कर दो, तो 1 -1/4 3/4, और यहाँ पे हाफ पुट करोगे तो ये 1/2, तो बी की वैल्यू हो गई 3/2। बस अब आपके इंटीग्रेशन तीन बनेंगे, देखो एक तो ए पुट कर लो यहाँ पे, तो आपका पहला इंटीग्रेशन हो गया 1/x का, अच्छा बी आपका 3/2 है वो तो आप बाहर लिखोगे, और ये इंटीग्रेशन बनेगा आपका 1/1 -2x का, और एक तीसरा इंटीग्रेशन आपका 1/2 का बनेगा। बस तीनों के प्रिमिटिव लिख लो, बड़े आसान है। सर, वैसे हम देखो डायरेक्टली ऐसे ए बी सी की, सॉरी ए और बी की वैल्यू लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से 100% गारंटी है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, कोई टीचर कुछ भी कहता रहे कुछ मत सुनना, आप ए और बी ऐसे ही निकालना, कहीं ओके किसी सर, किताब में किसी रूल में रूल नहीं होता कि आप ए बी बताओ कैसे निकाल रहे हो, कोई रूल नहीं होता ये। भाई आप मेरे को बताओ, अगर मैं 1/2 × 3 को 1/2 - 1/3 लिखूंगा तो मैं क्या बताऊंगा कैसे लिख रहा हूं मैं, मैंने लिख दिया, ये लो चेक करके देख ले कोई जिसको देखना है, कोई रूल नहीं होता ये, चिंता मत करो बिल्कुल भी। आप अगर मुझे ओके डाउट होता ना, मैं आपको मना करता, मैं कहता नहीं ऐसे मत करना, भी मार्क्स कटने के चांस है, आप इसको प्रॉपर वे में करना। ओके सर। चलो जी अब आप मेरे को बता दो, और कोई डाउट है तो मैं आगे चलूं। हमने लास्ट क्लास में किया था मार्जिन रेवेन्यू गिवन था, रेवेन्यू निकाल रहे थे, डिमांड फंक्शन निकाल रहे थे, एक चलो रिकैप करते हैं, एक क्वेश्चन से रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन में मार्जिन रेवेन्यू दे देता हूँ, मार्जिन रेवेन्यू गिवन है इज इक्वल टू लिखो 25 ई रेस टू दी पावर -x/100, ये ई की पावर में है और इसके साथ मल्टीप्लाई में यहां पर है 1 - x^100, एक्स टू दी सॉरी 1 - x/400 जो पावर में यहाँ पे भी है वो, ये आपका मार्जिन रेवेन्यू दिया हुआ है और आपको शो करना है कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन, या खाली डिमांड फंक्शन लिख लो, डिमांड फंक्शन पी इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल पी होता है, 25 ई रेज टू द पावर -x/400, यहाँ पे पी प्राइस पर यूनिट है और एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी है। हाँ जी समस्या आ सकती है आपके सामने इंटीग्रेशन वाली, उससे आप कैसे निपटोगे ये आप देखो जरा, मार्जिन रेवेन्यू दिया है, इंटीग्रेशन करके रेवेन्यू का पता लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मेरे हिसाब से इसको 5% बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, इसके इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे, और बताऊं इंटीग्रेशन है बहुत आसान, एक बार ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लो, हो गया ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं बता दूंगा। थोड़ा जल्दी जवाब देना अभी, लेकिन
सर एक बार बता दो आप। चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। तो ऑलमोस्ट बच्चे इसमें फंस जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। भाई आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया एम आर की साइड पे, ठीक है, आपने उधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा के पूरा कॉपी कर लिया। अभी तो सोचेंगे क्या करना है। ये आपने पूरा ऐसे लिख लिया, ठीक है जी, ये डीएक्स लिख दिया। एम आर का इंटीग्रेशन करने से वो रेवेन्यू रह गया। अच्छा एक बात बताओ, आपको इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स चीज या सबसे जो परेशान करने वाली चीज है वो क्या लग रही है, जिससे आपको लग रहा है अरे ये क्या चीज आ गई? e टू दी पावर पूरा, या अगर मैं e टू दी पावर में x आपको देता परेशान होते उससे? नहीं होते ना। तो आप पता है किससे परेशान हो, आप माइनस एक्स अपॉन 400 से परेशान हो। e से परेशान थोड़ी हो रहे हो कोई आप, माइनस एक्स अपॉन 400 इन्होंने ऐसी फ्रैक्शन डाल दी जिससे हमें दिखने में बड़ा टिपिकल सा नजर आ रहा है। हम एक काम करते हैं ना, अपनी परेशानी खुद ही खत्म करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए माइनस एक्स अपॉन 400 को ले लेते हैं टी। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स का माइनस वन अपॉन 400 ऐसी रहेगा, कॉन्स्टेंट है, साथ में यहाँ पे डी एक्स और उधर आएगा डी टी। हमने कहा बातें हैं वापिस आ गए जी वापिस। 25 को निकालो बाहर, ये तो गया बाहर, ये बन गया e टू दी पावर टी, ब्रैकेट में आ जाओ, ये वाला वन तो सेम रहेगा, माइनस एक्स अपॉन 100 को टी पुट किया है तो ये बन गया 1 + t। और रही डी एक्स की बात, वो यहां से आपको दिख रहा होगा माइनस 400 डी टी हो जाएगा, माइनस बाहर और ये रहा 400 डी टी, बल्कि मुझे 400 को ही बाहर ले लेना चाहिए था, अब ले लूंगा वो तो चलो मैं। तो माइनस 25 × 4 100, ये 10,000 तो बाहर हो गए आपके। और अब आपका इंटीग्रल है e टू दी पावर टी और 1 + t का। अब देखो उसके कंपैरिजन में इसको रीड करने में ज्यादा आसानी है और ये थोड़ा सा फैमिलियर सा भी लग रहा है। सोच के बता सकते हो किस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? e टू दी पावर टी है, यस, बाय पार्ट लगाएंगे। अभी ये बता दो बाय पार्ट में बाहर कौन जाएगा, 1 + t जाएगा या e टू दी पावर टी जाएगा? 1 + t, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन तो हमें दोनों का आता है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको अंदर रखा जाता है, उसको बाहर रखा जाता है, सॉरी। तो इंटीग्रेशन तो दोनों का आता है हमें, तो हम उसको बाहर ले जाते हैं जिसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो। तो 1 + t का डेरिवेटिव जीरो बन सकता है, तो इसलिए 1 + t बाहर जाएगा। शुरू करते हैं, चलो इतना नोट करो पहले, ये मैं थोड़ा सा साइड का रब कर देता हूँ, ये जो है ये मैं रब कर रहा हूँ इधर का, माइनस एक्स अपॉन 100 को टी माना था ना, ये रब कर दिया है मैंने। बाय पार्ट शुरू करते हैं लगाना। देखो जी माइनस 10,000 बाहर है, बाहर रहने दो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। बाय पार्ट का फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा, सीधा लगाऊंगा। देखो 1 + t बाहर, प्रिमिटिव लिखा जाएगा e टू दी पावर टी का, e टू दी पावर टी का प्रिमिटिव e टू दी पावर टी होता है, माइनस का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा। अभी बोलो यहाँ पे क्या लिखते हैं सबसे पहले? माइनस डिफरेंशिएशन, हाँ, तो जो बाहर गया था ना उसका डिफरेंशिएशन, तो भाई बाहर तो गया था 1 + t, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और t का 1 हो गया, तो चलो 1 को क्या लिखना छोड़ो, या लिख देते हैं चलो ये लो, और यही वाला प्रिमिटिव फिर से आ गया et। अभी dt एक और है, एक स्टेप और जाना पड़ेगा, माइनस ये 10,000 बाहर चल रहा है, ये 1 + t e टू दी पावर टी ऑलरेडी आ चुका है, ये माइनस 1 तो बेकार है लिखना, यूजलेस था, e टू दी पावर टी का प्रिमिटिव फिर से e टू दी पावर टी एंड ये लो जी +c। आंसर आ गया हमारा 10,000 e टू दी पावर टी में बाहर कॉमन ले रहा हूं, देखो इसमें से अंदर मेरे पास बचेगा 1 + t माइनस 1, बढ़िया बात हो गई, 1 से 1 भी कट गया। अब क्या बचा जी फाइनली, माइनस 10,000 e टू दी पावर टी इंटू टी +c। अब एक काम करो, t की वैल्यू खुद रिकॉल करो, रेवेन्यू फंक्शन आ चुका है, और फिर ये वाला c निकाल के दिखाओ। अब तो कर लो, अब तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन मैंने करके दे दिया आपको, डिमांड फंक्शन ये शो करके दिखा दो बस, रेवेन्यू निकल आएगा तो डिमांड फंक्शन आ जाएगा। तो परेशानी हमें यहाँ पे ना माइनस एक्स अपॉन 400 से थी, ये दोनों जगह पे नजर आ रहा था, ब्रैकेट के अंदर भी और e टू दी पावर में भी, हमने उसे खत्म कर दिया ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। सर मेरा तो C 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल 0 ही आएगा, देखो मैं अगले पेज पे जाता हूँ।
रेवेन्यू हमारा ये आ चुका है ना -10,000 e टू दी पावर टी, टी तो हमारा -x/400 है इनटू टी, टी वही है -x/400 और प्लस सी। हमको मालूम है जब हम x को जीरो करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हम अगर जीरो प्रोड्यूस करते हैं, जीरो मैन्युफैक्चर करते हैं या जीरो बेचते हैं तो रेवेन्यू भी जीरो ही मिलेगा। तो r को जीरो पुट करेंगे और जैसे यहाँ पे x को जीरो पुट करेंगे इस प्लेस पे, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपका c जीरो हो गया। तो आपका फाइनल रेवेन्यू क्या बना, फाइनल रेवेन्यू ये बना जी, ये तो दो जीरो यहाँ पे कट जाती है और चार से ये 100 कट जाएगा 25 बार, ये 25 रह गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स रह गया और ई टू दी पावर -x/400 रह गया। ये है हमारा एक फाइनल रेवेन्यू, ये तो रेवेन्यू है अभी। अब डिमांड फंक्शन कैसे मिलता है, R डिवाइड बाय x, बस तो सीधा लिख दो डिमांड फंक्शन जो p होता है वो r डिवाइड बाय x होता है, और जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो ये वाला x कट जाएगा, तो आपका डिमांड फंक्शन आ गया 25e^ -x/400। मेरे ख्याल से ये प्रूव करवा रखे हम, सही है, ये प्रूव हो गया। देखो क्वेश्चन सिंपल था, फिर भी बच्चे इसको देख के घबराएंगे क्योंकि e टू दी पावर -x/400 में फंसे रह जाएंगे। कर लिया नोट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आप आज की हेडिंग डालो फटाफट से, टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू MR एंड मार्जिनल कॉस्ट MC आर गिवन। जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट गिवन होंगे तो आपसे कहेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ कितना हो सकता है। अब ये नेक्स्ट टाइप हो गई है। देखो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो प्रॉफिट फंक्शन होता है पी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये कैसे निकलता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस करके निकलता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट फंक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी इज इक्वल्स टू आर माइनस सी होता है, ठीक है। तो आर आप कैसे निकालोगे, मार्जिन रेवेन्यू को इंटीग्रेट करके अभी निकाल रहे हो जैसे, सी कैसे निकालोगे, मार्जिन कॉस्ट को इंटीग्रेट करके, दो दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। आपने क्या किया, आपने ऐसे कर लिया, देखो डीपी बाई डी एक्स पी का डेरिवेटिव इक्वल टू डी बाई डी एक्स आर माइनस सी का डेरिवेटिव, ठीक है, ये आपका डीपी बाई डी एक्स हो गया। फिर आपने क्या किया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, ये तो हो गया पी और यहां पर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई डी एक्स जिसको आप बोलते हो MR माइनस डीसी बाई डी एक्स MC। आप इन दोनों को माइनस करके जो फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट करोगे और प्लस करोगे के। अब इसमें के कहां से लाओगे भाई, के निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट दी हुई है या लॉस दिया हुआ है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो हम वो के निकाल लेंगे। और जब एक बार के निकल आएगा ना तो आपका ये प्रॉफिट फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और जब प्रॉफिट फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी मैक्सिमा मिनिमा वाली, यानी आपका टर्म वन का सिलेबस यहाँ पे रिवाइज होगा। अब हम ये नहीं करना चाहते हैं वरना क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, पहले तो प्रॉफिट फंक्शन निकालो फिर उसको डिफरेंशिएट करो फिर जीरो से इक्वेट करो फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, पूरा प्रोसेस मैक्सिमम वाला आ जाएगा। अब उसका ऑलटरनेटिव मेथड क्या है, पहला आप इतना नोट करो, मेरे को पेज टर्न करना पड़ेगा। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो आप डीपी बाई डी एक्स निकालोगे तो डीआर माइनस डीआर बाई डी एक्स माइनस डीसी बाई डी एक्स किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो आपका प्रॉफिट तो निकल आएगा भी इस तरह से, MR में से MC को माइनस करके उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो हो गया नोट। अच्छा अब देखो, अब हम इसको दूसरे मेथड से कैसे करेंगे जहां पे हम मैक्सिमम मिनिमा की एप्लीकेशन से बचेंगे। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है विच इज मैक्सिमम प्रॉफिट, ऐसे लिख दिया मैंने पी मैक्सिमम, तो आप लोअर लिमिट जीरो x naught जो है ये बताऊंगा कहां से मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे और MR में से MC माइनस करोगे। और आपको बताता हूं मैं ये x naught कैसे मिलेगा, x naught इज गिवन बाय या टेकन बाय पुटिंग MR इक्वल टू MC।
मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल रख के जो एक्स की वैल्यू आती है, ये वो यूनिट्स होती हैं जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। भाई कॉन्सेप्ट क्या था, देखो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो हम क्या करते थे, पहले प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए, फिर हम उसको जीरो के इक्वल रखते थे, फिर वहां से एक्स की वैल्यू आती थी, फिर इस वैल्यू को हम पुट करते थे, फिर हम इस x की वैल्यू को पुट करते थे इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, अगर वो नेगेटिव आता तो हम कहते थे हाँ भी प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो ये dp बाई dx का मतलब क्या है, प्रॉफिट का डेरिवेटिव, और प्रॉफिट का मतलब क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, है ना। अब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का मतलब है dr बाई dx माइनस dc बाई dx इक्वल टू जीरो, और जब हम इसको इधर लाके प्लस कर लेंगे तो क्या आ गया, mr इक्वल टू mc, तो मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया। देखो तो अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स पे, नंबर ऑफ यूनिट्स आप निकाल लोगे तो आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट आपको डायरेक्ट इससे निकालना है जो आपको मैक्सिमम मिनिमा की एप्लीकेशन से बचा देगा। इससे मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एक्स नॉट एम आर माइनस एम सी, और एक्स नॉट कहां से ऑप्टेन होगा, एम आर को एम सी के इक्वल रखे। एग्जाम्पल करते हैं, पहले आप लिख लो, लिख लिया सबने, लिख लिया, मैं टर्न करूं पेज, यस ओके। क्वेश्चन नंबर वन, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स में आया था, लेकिन पता नहीं आप पैदा हुए नहीं थे इस टाइम आया था, 1987 में, 13 आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, 13 और 22 यानी 35 साल पहले पुराना क्वेश्चन, ओल्ड इज गोल्ड। देखो जी क्या दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट एम सी लिखो, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 20 प्लस एक्स अपॉन 20, ये तो है मार्जिनल कॉस्ट गिवन, और आप लिखो मार्जिनल रेवेन्यू यानी डी आर बाई डी एक्स, ये दी हुई है ओनली 30 मार्जिनल रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट है क्वेश्चन में 200, फिक्स कॉस्ट इज 200। सर अभी ठीक है, बीच में थोड़ी ब्रेक हो रही थी। अच्छा अच्छा वो मेरे को दिखा रहा था, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। ओके, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ आइटम्स एंड द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड फॉर दिस प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, और फिक्स कॉस्ट 200 रुपए दी हुई है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है एक तो, और ये भी बताना है कि इस प्रॉफिट को लेने के लिए कितनी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। आप नोट कर लो, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे करना है। कर लिया सर, चलो स्टार्ट करते हैं, पहले एक नॉर्मल वे में क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो dp by dx होगा यानी प्रॉफिट का डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, dr by dx माइनस dc by dx के, है ना भाई, प्रॉफिट का डेरिवेटिव इक्वल टू रेवेन्यू का डेरिवेटिव माइनस कॉस्ट का डेरिवेटिव। अब dr by dx ऑलरेडी गिवन है 30 यानी मार्जिनल रेवेन्यू, उसमें से माइनस करो dc by dx, और dc by dx कितने गिवन है, 20 माइनस x by 20, सिंप्लीफाई करो ये आ रहा है आपका dp by dx इज इक्वल टू 30 में से 20 गया 10 माइनस x by 20, इतना क्लियर है, यस सर, ठीक है। अब ये प्रॉफिट का डेरिवेटिव है, देखो ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का डेरिवेटिव है, और अगर आपको मैक्सिमम की एप्लीकेशन याद है
तो आप क्या करोगे, चलो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहला काम तो करते हैं इसको इंटीग्रेट करके काम खत्म करते हैं। तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ठीक है, dx लिख लो यहाँ पे, dp by dx का इंटीग्रेशन आपका p हो गया। मुझे tan का इंटीग्रेशन बोलना जरा, विद रिस्पेक्ट टू x बोलना, tan x हो गया। अच्छा मुझे x का बोलना, अपॉन 20 छोड़ देना, x square by 2 होता है ना, तो by 2 करोगे तो by 40 हो जाएगा, है ना, and plus k, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अच्छा बताओ फिक्स कॉस्ट दे रखी थी इस क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट 200, इसका क्या यूज हो सकता है? तो सी में पुट कर सकते हैं, सी तो है ही नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे पास तो प्रॉफिट है भाई। कॉस्ट का मतलब ये कि जहां पी आएगा वहां 200 आ जाएगा और एक्स की जगह 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 200 रुपए। अब अगर मान लो मैं आपको कहता हूँ कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करना है, बंद कर दो फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, एक्स जीरो, अब बताओ आपकी जो फिक्स कॉस्ट आई, आपने लेबर बुला रखी थी लेकिन कुछ बनवाया ही नहीं उनसे, और लेबर को 200 रुपए दे दिए, अब बताओ आपका प्रॉफिट कितना आया, जल्दी बोलो, माइनस 200, है ना, रटने की जरूरत नहीं है। तो जब आपकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो उसका यूज कैसे करना है प्रॉफिट में, वो प्रॉफिट आपका नेगेटिव में यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब x को तो जीरो लेना है और प्रॉफिट जो है वो आपका नेगेटिव में आ गया -200, इससे आपका देखो k निकलेगा। तो p मैंने लिया -200, x को जीरो पुट कर दिया दोनों टर्म्स में, तो k की वैल्यू मेरी यही आ रही है -200। तो देयरफॉर आपका जो प्रॉफिट फंक्शन है फाइनली वो ये है, 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40 और -200। बोलो ये बात आपको सही में आती है? ठीक है, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन रेडी है। अब आपको चाहिए थी नंबर ऑफ यूनिट्स जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो प्रॉफिट का डेरिवेटिव है वो जीरो होना चाहिए। अब आप डीपी बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो, डीपी बाई डी एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये रहा निकला हुआ है, कहीं इसको डिफ्रेंशिएट करके दोबारा निकालो, इसी को जीरो से इक्वेट कर लो, ये जो है ना 10 - x/100, तो ये आ जाएगा 10 = x/20 और x की वैल्यू आ रही है 200। इसका मतलब 200 यूनिट प्रोड्यूस होने पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब ये बता दो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, 200 यूनिट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ये तो कब पता चल गया, लेकिन प्रॉफिट निकालोगे कैसे अभी? सब और क्या, ये प्रॉफिट हमने बनाई रखा है देखो ऑलरेडी, ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसमें x के प्लेस पर 200 पुट कर दो तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट विच इज मैक्सिमम, ऐसे लिख देना, पी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, यहां पुट करते हैं चलो, 10 × 200 = 2000, 2000 ये हो गए, 2000 हो गए ना, हाँ, माइनस फिर ये कितना आएगा भाई, 200 × 200 लिख दूं, 10000 1000, अच्छा जी 1000 लिख देते हैं चलो, और ये -200, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 800 रुपये हो गया, है ना, 800 रुपये हो गया, फिर तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार उसको। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 800 रुपये होगा, जो तब ऑप्टेन होगा जब 200 आइटम प्रोड्यूस की जाती है। अब देखो ये था एक लॉन्ग प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस है, पहले आपने डीपी बाई डी एक्स निकाला MR में से MC को माइनस करके, फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया दोनों साइड पे तो आपका प्रॉफिट आ गया, फिर आपने उसमें x को जीरो पुट किया उससे k आ गया, फिर आपने k को वापस पुट करके प्रॉफिट फंक्शन कंप्लीट किया, फिर आपने क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकाली, MR और MC को इक्वल रख दिया, M और MC को इक्वल रखने का मतलब होता है dp by dx को जीरो से इक्वेट कर दिया, वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस होने पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, वो आपने प्रॉफिट में यहां पुट कर दिया। अभी इसमें कोई डाउट है तो कोई पूछो भाई। आपने k की वैल्यू कैसे निकाली थी, रिपीट कर देना। रिपीट करता हूं मैं, जो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 200 रुपए, उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया, कॉस्ट में तो इस्तेमाल हमने किया नहीं, हमने कहा अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स जीरो प्रोड्यूस करते हैं, हमने सोच लिया कि हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, तो एक्स को जीरो मान लिया, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कहां जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जीरो कर ली है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी चली गई, जबकि रेवेन्यू कुछ आया नहीं क्योंकि कुछ बना ही नहीं, तो वो जो फिक्स कॉस्ट थी वो एक तरह से क्या हो गया, वो आपका लॉस हो गया, वो आपने पे कर दी, तो आपने जो प्रॉफिट था उसकी जगह पे माइनस 200 रख लिया। तो जो प्रॉफिट आया था इंटीग्रेट करने के बाद, हमने उसमें कैसे इस्तेमाल किया, इसको
एक्स को तो जीरो पुट किया और प्रॉफिट को पुट कर दिया माइनस 200। ओके सर। अब देखो ये एक प्रोसेस है जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, जनरली सब इसी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर भी आते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को एक एक बार फिर से देखते हैं। देखो अब हम इसको छोटा कैसे करेंगे। पी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स नॉट एम आर माइनस एम सी। इसको यूज करके देखते हैं एक बार। तो पहले हमें ये एक्स नॉट निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एम आर और एम सी को इक्वेट करेंगे। एम आर कितना था हमारा, एम आर था हमारा 30 और एम सी था हमारा 20 प्लस एक्स अपॉन 20। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 इक्वल टू एक्स अपॉन 20। तो देखो एक्स तो वही आ रहा है, 200 आ रहा है ना, यानी इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस होने पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब आप अपने इंटीग्रेशन में वापस आओ। सॉरी, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट 200, एम आर 30 माइनस करो एम सी 20 माइनस एक्स अपॉन 20। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये 10 माइनस एक्स अपॉन 20 डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 10 का इंटीग्रेशन 10x, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 40। इसको ब्रैकेट में करेंगे और इसमें लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट रख देंगे 200। इसमें कोई के का चक्कर ही नहीं आने दिया। देखो हमने 10 इंटू 200 2000 माइनस, ये कितना आ रहा है 1000। कितना हो गया 1000 हो गया प्रॉफिट, 1000 प्रॉफिट हो गया ना। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आई है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट को तो यूज करोगे ना, तो फिक्स कॉस्ट को इस प्रॉफिट में से लेस कर दो आप, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वो कितना हो जाएगा 800। भाई 1000 रुपए कमा तो लिए आपने, ये इतने 200 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो आप लास्ट में माइनस कर लो। अब ये चॉइस आपकी है, आपको ऐसे करना है ऐसे कर लो, और आपको लगता है नहीं ये वाला ठीक है भाई तो ऐसे कर लो। जो फिक्स कॉस्ट की माइनस किया, देखो आपकी जो फिक्स कॉस्ट दी हुई थी वो कहीं ना कहीं तो यूज करोगे ना, तो आप उसको कैसे यूज करोगे, आप ये एक ये अज्यूम करोगे कि जब नंबर ऑफ यूनिट जीरो है, ये जीरो भी तो है ना नंबर ऑफ यूनिट्स, एक बार नंबर ऑफ यूनिट जीरो है एक बार 200 है, तो आपने जीरो से 200 तक का प्रॉफिट तो निकाल लिया। जब जीरो से 200 यूनिट तक का प्रॉफिट है तो वो तो आपने निकाल लिया 1000 है, लेकिन जब आपकी कॉस्ट, जब मैन्युफैक्चरिंग आपकी जीरो होगी तो उस टाइम का प्रॉफिट भी कंसिडर करो, वो इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट। तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है बेसिकली, वो लॉस है जीरो यूनिट्स पे, तो आपने अपने नेट प्रॉफिट में उस लॉस को हटा दिया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 800 रुपए आएगा फिर। नहीं समझा मेरी बात ये वाली? Yes. सर नोट कर लिए। चलो आप एक ट्राई करके देखो। A company suffers a loss. A company suffers a loss of rupees 121.50 if one of its products, if one of its products does not set at all, does not sell at all, sorry, full stop. उसके बाद मार्जिन रेवेन्यू दिया हुआ है, एम आर लिख लो 30 माइनस 6x, एम सी लिख लो 3x माइनस 24। ठीक है, एम आर एम सी दिए हुए हैं ये। अब आप मेरे को बता दो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन इज क्वेश्चन मार्क और ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है।
एक कंपनी को लॉस होगा 121.50 रुपए का अगर एक भी आइटम सेल नहीं होती है तो। ट्राई कर लो भाई। सर इस लॉस का कुछ करना है हमें? हाँ क्यों नहीं करेंगे, इससे आपका वो के निकलेगा। सर मैं तो दूसरे मेथड से करा है। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा ना उसमें से फिर इसको लेस कर देना। ओके, ये फिक्स कॉस्ट ही तो होगी देखा जाए तो। यस सर। हो गया। तो आप एक काम करो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले आप मुझे अपना प्रॉफिट फंक्शन चेक करो, उसने प्रॉफिट फंक्शन पूछा है क्योंकि 54x - 9x² / 2 और प्लस के k कहां गया? -121 ने किया अभी। आप k तो लिखोगे ना, और k निकालना पड़ेगा। इतना तो मैच हो रहा है देखो मेरी बुक से भी। के तो निकालना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट फंक्शन उसने पूछा है ना, तो प्रॉफिट फंक्शन पूछा है ना, तो आपको देखो ये तो करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये इतना तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट डाल दी है। उसने मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं पूछा, वरना तो हम डायरेक्ट इससे कर लेते डायरेक्ट, ये प्रॉफिट मैक्सिमम निकल आता डायरेक्ट इससे। लेकिन उसने प्रॉफिट फंक्शन पूछ लिया, तो अब आपको ये करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, अब आप इसको ऐसे लिखेंगे भाई, जो डीपी बाई डीएक्स होता है ये MR - MC होता है, ठीक है। MR क्या है आपका 30 - 6x, उसमें से माइनस करो MC -3x + 24, तो ये आ रहा है आपका 54 - 9x, ठीक है। सिंपल हो गया ना। अब यहीं पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, इसी साइड पे यहाँ dx भी लिख लो। अब ये dp/dx का इंटीग्रेशन p हो गया, इधर आ जाएगा 54x - 9x² / 2 एंड प्लस के। कितना क्लियर है सबको ये बताओ? यस सर। अब उसने बोला है कि अगर एक भी आइटम सेल नहीं हुई तो, एक भी आइटम अगर सेल नहीं हुई तो लॉस हो जाएगा 121.50 पैसे। तो इस पर क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है ये लॉस में कन्वर्ट करो, यानी नेगेटिव में लो, और एक्स के प्लेस पर जीरो रख दो। तो यही के हो गया आपका। तो देयरफोर फाइनली जो प्रॉफिट फंक्शन बना वो ये बना, देखो 54x - 9x² / 2 - 121.50। इतना क्लियर है बताओ? यस सर। देखो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बोला लगाने के लिए, क्योंकि हम तब लगाएंगे जब मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा जाएगा, है ना। उसने मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा ही नहीं है, वो तो कह रहा बस सीधा प्रॉफिट फंक्शन निकाल दो, हमने निकाल के रख दिया। अब ये बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट और लॉस इक्वल होते हैं। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। सर कॉस्ट एमसी का अगर वो निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो कॉस्ट आ जाएगा और फिर एमआर से रेवेन्यू आ जाएगा, निकल जाएगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल सही। अब आप मेरी बात सुनो, इतना लंबा क्यों कर रहे हो आप? ब्रेक इवन पॉइंट के लिए रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वेट होते हैं। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में इक्वल होंगे तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव और कॉस्ट का डेरिवेटिव ये भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एमआर और एमसी को इक्वल रखकर भी आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, है ना। क्यों हम क्यों करें,
हम पहले MR को इंटीग्रेट करके रेवेन्यू निकालेंगे, फिर MC को इंटीग्रेट रेवेन्यू कॉस्ट निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे. अरे उन्हीं को इक्वेट कर लेते हैं, देखो सीधा सीधा MR और MC को इक्वेट कर लो. क्या रहा है देखना जरा. सॉरी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से तो उसके कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे ना. भाई रेवेन्यू फंक्शन में मान लो कि कांस्टेंट आया होगा 7 और कॉस्ट फंक्शन में कोई कांस्टेंट आया होगा सपोज करो 8, तो 7 और 8 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, जबकि 7 8 से कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा. मेरी बात सही में आई? सपोज करो रेवेन्यू है 7x + 6, कॉस्ट है 9x + 10, सपोज करो. अब इसका डेरिवेटिव 7 हो गया, इसका डेरिवेटिव 9 हो गया, आपस में इक्वेट कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, सुनो, हमें रेवेन्यू को कॉस्ट के इक्वल तो रखना ही है. प्रॉफिट जो होता है ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, प्रॉफिट ये तो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो अगर रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो प्रॉफिट जीरो भी तो ले सकते हैं. तो एक काम करो, आप, मैं जरा पानी पीता हूं, आप जरा इस प्रॉफिट को ना, ये प्रॉफिट निकाल तो रखा है हमने, इसको कर दो ना जीरो से इक्वेट. 54x माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 121.50 इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करके निकलेंगे x की वैल्यूज, दो निकलेंगे मेरे ख्याल से, तो 0 एंड 12. 0 x की वैल्यू जीरो कैसे आ सकती है? देखो अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो तो नहीं बन रहा. एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको. रेवेन्यू का अलग निकाल लिया और कॉस्ट का अलग निकाल लिया. आपको पता है रेवेन्यू और कॉस्ट का अलग निकालने पे ना कांस्टेंट भी ऐड किए होंगे आपने. देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये आएगा 30x, ये आएगा 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस k. इसको इंटीग्रेट करोगे 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 24x प्लस कोई और कॉन्स्टेंट, लेट से m या कोई भी s. फिर दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके k और s फंस जाएंगे. कहां से लाओगे k और s? आप समझे मेरी बात? नहीं समझे, मैं करके दिखाऊं? यस समझ गए है ना. तो इसलिए हम 3 और 9 आ रही है मेरी वैल्यू, 3 और 9 आ रही है, आपने कर लिया सॉल्व. मैं एक काम करता हूं, उसको 2 मल्टीप्लाई करता हूं पहले जल्दी से, मतलब एलजीएम ले लेते हैं इसका. ये हो गया 0, ये आ रहा है 243, इसको हटाओ, इक्वल टू 0. सारे साइन इक्वेशन चेंज कर दो, पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दिया, थोड़ा सा सिंपल बना रहा इक्वेशन को. 9 कॉमन आ जाएगा क्या? 4, 2, 6, 3, 9 से डिवाइड कर दो और छोटी हो जाएगी. ये बनी है ना इक्वेशन, देखना फाइनली ये बनी है छोटा. यस सर. हाँ तो अब ये ठीक हो गया. 9, 3 जा 27 और 9 और 3 12 भी होता है. ये रहे इसके फैक्टर्स. आप ठीक कह रहे हो, दो ब्रेक इवन पॉइंट है इसमें. 9 यूनिट्स पे भी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है और 3 यूनिट पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस. भाई बताएं क्लियर है सर? एक बार फर्स्ट स्लाइड मतलब इस क्वेश्चन का स्पेल. हाँ, ये देखो. और सर अगर हम MR और MC का इंटीग्रेशन करके इक्वेट करते तो इजी होता. मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले आप नोट करो, मैं वो भी करके दिखाता हूँ. ट्राई करते हैं ना, उसमें क्या है देखते हैं. इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा आपका, फिर खत्म ही चैप्टर. मेरे ख्याल से आपकी वो तो नहीं है ना, मेरे को देखना पड़ेगा सिलेबस में. प्राइस इलास्टिसिटी नहीं है मेरे ख्याल से आपके कोर्स में. डिमांड फंक्शन फाइंड करना जब प्राइस इलास्टिसिटी गिवन होती है, और मेरे ख्याल से मार्जिनल प्रोपेंसिटी भी नहीं है आपके कोर्स में. ये होगा नहीं, ये बीकॉम में होती है. तो शायद मार्जिनल प्रोपेंसिटी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी, फिर तो फिर वो भी होगा. प्राइस इलास्टिसिटी भी होना चाहिए. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्लस तो है, वो तो मैंने देखा है सिलेबस में. सर एक बार स्टूडेंट हैंडबुक हमें चेक करनी चाहिए. हाँ एक बार मैं चेक कर लूंगा, मैं बताऊँ उसको देखता ही नहीं हूँ, उसमें कुछ मटेरियल तो मिलता नहीं है, फिर भी चेक कर लेंगे. चलो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर प्लस तो कन्फर्म है, वो तो कर ही लेंगे, आसान भी है.
मेरे ख्याल से आपका रेट ऑफ सेल्स भी नहीं होता, रेट ऑफ सेल्स भी नहीं, वो भी इंटीग्रेशन का पार्ट है। उसके बाद तो क्या आता है, उसके बाद आता है क्या आता है, लर्निंग का कर्व होता है, एक लर्निंग का कर्व भी एक बीकॉम में पार्ट यूज होता है। चलो अब एक काम करते हैं फटाफट से इसको ना एक दूसरे एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर हम एम आर को इंटीग्रेट करते हैं। एक मिनट, एम आर बोलना कितना था इस क्वेश्चन में, तो टर्न करना पड़ेगा पेज, 30-6 है। 30-6x, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये रेवेन्यू हो गया, इसका हो गया 30x, इसका हो गया 6x² / 2 एंड प्लस के, फिर आपका एक्स जीरो पर, हमको मालूम है रेवेन्यू जीरो ही होता है हमेशा, तो रेवेन्यू को जीरो कर दिया, एक्स को भी जीरो कर दिया, ये टू से कैंसिल हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो के की वैल्यू तो चलो जीरो आ गई। तो फाइनली आपका रेवेन्यू फंक्शन तैयार है 30x - 3x² से। फिर आपने क्या किया, एमसी लिया, एमसी कितना था, EX-24 ठीक है। अब आपने इसको भी इंटीग्रेट किया, ये सी हो गया, ये 3x² / 2 हो गया, -24x हो गया, प्लस के हो गया। अब क्या करें भाई, अब फंस गए, या कुछ हो सकता है, देखो हाँ हो सकता है ना, एक्स को जीरो पुट कर लेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ना भाई। एक्स को अगर जीरो पुट कर ले, क्वेश्चन में दी हुई है कि अगर आपने एक भी यूनिट सेल नहीं की तो लॉस होगा 121.50 का, इसका मतलब वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी, इतना खर्चा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे सी को रखते हैं 121.50 और ये तब जीरो हो जाएगा इक्वल टू के, तो आपका कॉस्ट फंक्शन भी तैयार हो गया। ये देखो ये, हाँ अगर फिक्स कॉस्ट गिवन ना होती ना ये वाली, तो ये फिर नहीं हो पाता, अब हो जाएगा। अब ये रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है, इन दोनों को इक्वल रखो और एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेंदी है और ये फंस जाएगा अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो, के निकालने के लिए अगर इंफॉर्मेशन ना मिली तो फिर के कैसे सॉल्व होगा, गॉट इट, यस सर। ट्राई करना जरा, इस बार आप लोग ट्राई करना, मैं नहीं करूंगा, कोशिश करके देखिए। मार्जिनल कॉस्ट लिखो, किसी कॉमोडिटी की एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट है 16x - 1591, ठीक है। और ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹9 पर यूनिट, एट ₹9 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1800 per day, इतनी फिक्स कॉस्ट आती आती है रोज। अब आपको क्या क्या निकालना है नोट कर लो, कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट फंक्शन क्वेश्चन मार्क, और आप निकालो मैक्सिमम प्रॉफिट इन वन डे, चलो आप मुझे तीन चीजें निकाल के दिखाओ। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस फिक्स है, एक यूनिट का 9 रुपए फिक्स कर दिया है, और फिक्स कॉस्ट आएगी 1800 रुपए, 1800 per day की आएगी। कॉस्ट फंक्शन बताना है, प्रॉफिट फंक्शन बताना है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है दिन में ये बताना है। ट्राई करो,
सो कॉस फंक्शन तो आ गया, एक मिनट मैं आंसर ओपन कर दे रहा हूं, कॉस फंक्शन एक बार चेक करा दो, 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस 100 प्लस 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 कितना 1800, करेक्ट है जी, मैच होता है, 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस 1800, कॉस्ट फंक्शन पूरा मैच करवा दिया आपने। आगे चलो प्रॉफिट फंक्शन निकालो, तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन आ रहा है 150x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 200। एक बार फिर से बताना क्या रहा है प्रॉफिट फंक्शन, 150x हाँ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 200, नहीं मैच नहीं हो रहा भाई, नहीं मैच हो रहा, और कोई बता दो भाई, प्रॉफिट फंक्शन माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1600x माइनस 1800, हाँ ये मैच हो रहा है भाई, नीलिमा जानवी जानवी आदित्य बताओ भाई, केतन सर प्रॉफिट फंक्शन ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके चलो मैं अब तक मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट निकाल के दिखाऊं आपको, देखो बड़ा सिंपल है ना भाई, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, आपको कॉस्ट पूछ रहा है, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट लिख लिया आपने, ये मार्जिनल कॉस्ट लिखी, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट का साइन लगा दिया, यहाँ पे dx भी लिख दिया, मार्जिनल कॉस्ट का सी बना दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, 16x का 16x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका हो गया 1591x हो गया और प्लस k कर दिया, इतना क्लियर है नीलिमा? यस सर। ठीक है अब देखो इस फिक्स कॉस्ट को हम कैसे यूज करते हैं, हम फिक्स कॉस्ट को कब यूज करेंगे, जब कॉस्ट फंक्शन गिवन होगा तो x को हम जीरो पुट कर लेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमने नहीं ली, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट बन गई, भाई इतना तो खर्चा आएगा ही आएगा ना, अगर x को जीरो कर दोगे तो टोटल कॉस्ट 1800 हो जाएगी, तो c को रखो 1800, x को रखो 0 दोनों पार्ट में और ये प्लस k, तो k की वैल्यू 1800 हो गई, सो देयरफॉर आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो बन गया 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस 1800, ये तो हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो। नो सर। ठीक है अब प्रॉफिट हमको मालूम है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, प्रॉफिट फंक्शन चाहिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू तो उन्होंने फिक्स कर रखा है, देखो ये कह रहे हैं, कहते हैं सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो पूरी सेल में हर यूनिट का 9 रुपए रहेगा, चाहे यूनिट जितनी मर्जी हो जाए, तो बताओ एक्स यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना बनना चाहिए अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो, 9x। अब 9x में से ये पूरी कॉस्ट माइनस कर लो खत्म, ये माइनस 8x स्क्वायर, ये माइनस 1591x, और जब माइनस करोगे तो 1800 माइनस के हो गए, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा इसको, तो माइनस 8x स्क्वायर तो ऐसे रहेंगे, 9x में से माइनस करो 1591x तो कितने बचे जी, 1582। नहीं ये पहले से माइनस थे, ये प्लस हो जाने चाहिए ना भैया, पहले से माइनस थे ना, देखो ये प्लस हो गए तो ऐड हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे 1600x हो जाएंगे और माइनस 1800, ये रहा आपका प्रॉफिट फंक्शन, सिंपल बिल्कुल, कोई इंटीग्रेशन में समस्या नहीं आई, कोई डिफरेंशिएशन में समस्या नहीं आई, ये कॉस्ट फंक्शन हो गया, ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया, अभी बोलो और क्या मांग रहे हैं हमसे सर? और हाँ बोलो सर, मैंने ऐसे नहीं करा था। अच्छा बोलो अपना तरीका बताओ सर, मैंने MR माइनस MC का इंटीग्रेशन कर दिया था। MR कहाँ से लाए सर? 9x। लोग चेक करते हैं चलो सर, MR तो 9 हो जाएगा ना? हाँ MR वही पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी 9 है ना, तो MR माइनस MC का इंटीग्रेशन करके भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम ये आ जाएगा, लेकिन फिर आपको MR के लिए रेवेन्यू तो 9x है ना, तो इसका MR क्या हो जाएगा, इसका मार्जिनल रेवेन्यू 9 हो जाएगा, तो 9 में से MC माइनस करो, MC कितनी है
16x माइनस 1591, ये प्लस हो जाएंगे 1591। इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट फंक्शन है वो ऐसे बन जाएगा 1600 माइनस 16x का इंटीग्रेशन। ठीक है, बात एक ही आगे देखो, तो P इज इक्वल्स टू ये हो गया 1600x और ये हो गया 16x स्क्वायर बाय 2 प्लस k। अब बताओ इसमें फिक्स कॉस्ट को कैसे यूज करते हैं जब प्रॉफिट होता है, तो जब प्रॉफिट होता है वो जाएगा, हाँ x को तो जीरो कर लेते हैं और प्रॉफिट को नेगेटिव में यूज करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं है, वो जो आपके फिक्स कॉस्ट गई है वो तो लॉस हो गई, तो प्रॉफिट को रखते हैं फिर इस केस में माइनस 1800। तो माइनस 1800 इज इक्वल्स टू ये भी जीरो ये भी जीरो, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 1800, वो यहाँ पुट कर दो तो देखो आपका प्रॉफिट फंक्शन वही तो आएगा 1600x माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 1800। ये लो देखो बात तो एक ही है, yes, sir. या ये आपका प्रॉफिट फंक्शन देखो वैसे भी यही आ रहा था और अभी भी यही आया। अभी मुझे बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना उसके लिए क्या करना है मुझे, MR is equal to MC. Yes, MR equal to MC. या इन शॉर्ट क्या, इन शॉर्ट dp by dx equal to zero. जिस फंक्शन को मैक्सिमम करना होता है उसका डेरिवेटिव जीरो लेना है, तो प्रॉफिट का डेरिवेटिव जीरो। इसको डिफरेंशिएट तो वैसे ही कर लो, सिंपल सा तो है, 16x का 1600, 8x स्क्वायर का 16x इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू नजर आ तो रही है 100 है। अब इस x की वैल्यू 100 को अपने प्रॉफिट में यहां पुट कर दो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा 80,000 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा आंसर, एक बार फिर पुट करना जरा, x की वैल्यू 100 पुट करनी है इस प्रॉफिट में। यस सॉरी डाला था, अच्छा एक मिनट देखें, 1600 इनटू 100 करेंगे ये बन गए और ये हो जाएंगे 10,000 इनटू 8 80,000 हो गए ये और माइनस 1800 ये हो गए 160,000, उसमें से गए 80,000 तो रह गए 80,000, 80,000 में से 1800 और माइनस करने हैं। यस तो 78,200 हाँ तो 78,200 आ गया। हाँ ठीक है, सो मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं किया था। अच्छा तो प्रॉफिट फंक्शन रेडी है ना, उसमें पुट करना है बस, ये आपका प्रॉफिट आ गया जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 78,200। बोलो जी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है जी, चलो तो मैं आपको इन तीन टॉपिक के क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं इसमें से ना बुक में से क्लिक करके दे देता हूँ, टाइप करने में टाइम लगेगा, ये जो जेके ठकराल बुक है इसमें से दे देता हूँ आपको, 5-10 क्वेश्चन दूंगा, आप यहाँ परसों करके रखना क्योंकि परसों हम कवर करेंगे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, बड़ा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। उससे पहले लेकिन मुझे आपको थोड़ा सा एक एरिया बाउंड्री रीजन सिखाना होगा, वो भी आ सकता है। ठीक है जी, तो मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ सर, टाइमिंग का मुझे एक चीज पूछना था कि एक घंटा पहले हो सकता है बैच? नहीं बेटा, मेरे तो एक्चुअली क्या ना, इसके पहले भी बैच है और उसके पहले भी बैच है, मतलब मेरे 4 से लगे हुए हैं बैच सारे, 4 to 5 एक होता है, फिर 5 to करीब 6, 5, 6, 5 तक वो चलता है, फिर आपका स्टार्ट करता हूँ मैं 6, 10। अब आपका पहले करूंगा तो इन सबको हिलाना पड़ेगा। ओके सर। ये एक्चुअली क्या ना, ये पहले से फिक्स चल रहे हैं तो ये हिलेंगे भी नहीं, मना कर देंगे सब बच्चे ये। ओके सर। हाँ जी बोलो सर, जो कोर वाली एनसीईआरटी है, हाँ उसकी 7.4 में कुछ क्वेश्चंस है, उसमें ट्रिगो वाले भी है, तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से करूँ। आप एनसीईआरटी से कर रहे हो 7.4, तो मैं आपको, रुको अभी एक घंटे का टाइम दो, मैं आपको 7.4 के क्वेश्चन नंबर बताया था कौन कौन से कर ले। यस सर। ठीक है ना, मैं बताया, बस एक घंटे का टाइम दो मेरे को। ओके सर। ओके जी, चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके जी, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।